Hi everyone. Today my son is going to explain the concept of force. So listen to him carefully and give your love and blessings to him. Hi dosto, mera naam hai Satyak sir. Aaj main batane wala hu force ke bare mein. Force matlab hota hai agar koi cheez koi dabba ko thoke usme kuch cheez hoga to apna aap ko nahi jalegi, andar bhi jalegi. Jaise kuch gaadi ho gaya आगे बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग और स्टेट ऑफ पहले से कर लिए, ये पीछे हैं मूड है ना, ऐसे जैसे देखिएगा यहाँ आगे बढ़ेगी, ठीक है, मुझे ना होता है फोर्स। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि सार्थक बाबू ने किस तरह से फोर्स को एक्सप्लेन किया है। सार्थक बाबू के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे बढ़ रही है तो वो फोर्स के कारण बढ़ रही है ना। जो चीज़ ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराती है वो कहलाती है फोर्स। सेम चीज़ हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ना है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में आने के लिए हमको उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है। सेकेंड लॉ में फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो होप कि ये वीडियो सार्थक के द्वारा जो बनाया गया है वो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा।